अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस के कितने तरीके होते हैं, मार्केट में लोग स्टॉप लॉस कैसे लगा रहे हैं। पहले से सिंपल तरीका है कि फिक्स्ड परसेंटेज होती है, कुछ 2% लगाते हैं, कुछ 5%, कुछ 10%। मतलब है कि जो स्टॉक की प्राइस है उसका इतने परसेंट अगर नीचे होती है तो वो आउट हो जाते हैं, वो ट्रेड से आउट हो जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि इस्टेब्लिश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है तो वो ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग ट्रेंड लाइन यूज करते हैं या चैनल यूज करते हैं कि जैसे ही प्राइस उस चैनल या उस ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करती है उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। और चौथा तरीका है इंडिकेटर यूज करते हैं, जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं, एवरेज ट्रू रेंज। कुछ लोग 1 ATR रखते हैं, कुछ 1.5 रखते हैं, कुछ 2 ATR रखते हैं। ATR या एवरेज ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। ये आपके स्टॉक में उतार चढ़ाव की रीडिंग को कैलकुलेट करता है। एक शेयर कितना ऊपर मूव कर सकता है और कितना नीचे आ सकता है ये आपको बताता है आपका ATR। ये टाइम फ्रेम, जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, ये उस हिसाब से आपको उस स्टॉक में होने वाली मूवमेंट को कैलकुलेट करके दे देता है। अगर आपने 1 मिनट का चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको ये 1 मिनट, हर मिनट के बाद आपको रीडिंग कैलकुलेट करके दे देगा। और अगर आपने डेली चार्ट पे इसको लगाया हुआ है तो ये आपको हर दिन के बाद एक नई रीडिंग कैलकुलेट करके देगा। जितने टाइम पीरियड का आपने ATR लगाया हुआ है उस हिसाब से ये आपको उस स्टॉक की वोल्टेलिटी जो है वो कैलकुलेट करके दिखा देगा। चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये हम अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं OGDCL। तो ये आपके पास OGDCL का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इस चार्ट की ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट, 5, 15, 13, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 1 डे ही रखता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर्स में हम ATR लिखेंगे तो हमारे पास ये एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर आ जाएगा। इस पर क्लिक करें तो ये आपका नीचे इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं। ये जिस कैंडल पे भी आप अपना कर्सर रखेंगे ना तो आपको हर कैंडल की अलग अलग ATR वो काउंट करके बताता जाएगा। ये 14 14 जो है ये इसका पैरामीटर है। चूंकि हमने डेली चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो 14 का मतलब यहाँ पर ये है कि पिछले 14 दिनों में इस शेयर की जो एवरेज मूवमेंट बनती है उसकी ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे देगा। अगर यहाँ पे हमने हावरली चार्ट रखा होता तो इसका मतलब होता है कि पिछले 14 घंटों में इस शेयर की जो वोलेटिलिटी है उसकी रेंज कितनी है, किस प्राइस में ये मूव रेंज किस प्राइस रेंज में ये मूव कर रहा है। तो अभी हम इसमें OGDCL में हम देखते हैं कि ये हमें कैसे हेल्प आउट करता है, हमें लॉस, ज़्यादा लॉस होने से। लॉस तो लॉस ही होता है, चाहे थोड़ा हो बड़ा हो, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़ा लॉस की बजाय छोटे लॉस पे ही जो है ना वो इत्तेफाक कर लिया जाए। सपोज हम इस पोजीशन में यहाँ पे हैं, थोड़ा सा मैं चार्ट को ज़रा बड़ा कर देता हूँ। हुए थे इस कैंडल पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको इस जगह पे आपको ये वैल्यू नज़र आ जाएंगी। इस दिन जो है वो 149 रुपये पे ये ओपन हुआ था और 155 रुपये इसकी हाईएस्ट प्राइस थी। लो इसने 149 का लगाया था और 156 रुपये पे ये क्लोजिंग दी थी इसने। सपोज आप इस ट्रेड में एंटर हुए हैं, यहाँ पर हाईएस्ट में आपने एंटर हुए हैं, आप एक्साइटमेंट में आ गए हैं कि यार वो जुडिशियल तो 170 180 को क्रॉस कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको बाय कर लेता हूँ। और फ़र्ज़ किया आपने इसको बिल्कुल टॉप पे पकड़ा है, टॉप पे आपने इस पर बाइंग की है, 154 रुपये पे आपने इसको बाय कर लिया, तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 154 है। तो इसका ATR चेक करें, देखिए इस कर्सर पे लेके जाएं नीचे, आपको ATR की वैल्यू नज़र आएगी। ये यहाँ पर देखिएगा 4.44,
एटीआर आपका है 4.44। अगर आप वन एटीआर रखते हैं तो 4.44, अगर 1.5 रखते हैं तो इसी को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू आ जाएगी। तो स्टॉप लॉस क्या होता है आपका? स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर रेंज। हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है इसमें 150 का बन जाता है। मैं राउंड फिगर करके बता रहा हूँ आपको। ये आपने इधर पकड़ा और ये आपने डिसाइड कर लिया कि जी मेरा स्टॉप लॉस 150 है। अगले दिन मार्केट खुलती है, ये ओपन 153 पे होती है, हाई इसने 154.25 पे बनाया होता है, लो इसका 152 है और क्लोजिंग इसने दी है 153.0। अभी भी आपके स्टॉप लॉस से ऊपर है तो आप ट्रेड में बने रहते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ चलाता हूँ। अगले दिन में भी इसने क्लोजिंग जो है 151.545 के ऊपर दे दी, आपके स्टॉप लॉस के बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आप चाहते तो यहाँ से यहाँ पे भी आप निकल सकते थे, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मेरा जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मैं इस ट्रेड में रहूँगा। तो आप अगले दिन का वेट करते हैं और अगले दिन के वेट में भी जो है ना वो उसने आपकी जो रेंज है उसमें आ जाता है। ये इसने लो जो है 149.12 का बना के, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते थे। अगर आप यहाँ पे एग्जिट होते या इसी अगले कैंडल पे एग्जिट होते तो देखें उसके बाद शेयर का हाल क्या हुआ है। तो आप ये जो इतना बड़ा लॉस है ना इससे आप बच सकते थे अगर आप यहाँ इस कैंडल पे आप एग्जिट हो जाते, या इस कैंडल पे भी आप एग्जिट हो जाते ना 149 रुपये में। तो इसने जो है ना नीचे 125 125 मीन्स के आपके 20 रुपये के लॉस से आपने इसको बचा दी। आपने 4 रुपए के लॉस के आपने 4 रुपए का लॉस जो है वो अवेल किया, उसने आपको 20 25 रुपए के लॉस से बचा दिया। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने बाय किया है तो इस कैंडल पे आप निकल जाते हैं। ये आपको एटीआर बता रहा है, देखिए यहाँ पर इसका बनता है 3.9 और 134 रुपए पे 134 रुपये आपकी बाइंग है और 4 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। तो एटीआर की रेंज यहाँ पे आके टूट जाती है। तो इस कैंडल से पे आप निकल जाते थे तो ये जो इतना बड़ा डाउनफॉल है इससे आप बच सकते थे। तो ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, इसको आप हावरली पे भी यूज़ कर सकते हैं, डेली पे भी यूज़ कर सकते हैं, वीकली पे भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। एटीआर को इस तरह आपने देखना होता है। ये वो मिसाल है जिस जो आपने गलत ट्रेड की। अब इस लेवल पे बाइंग करने की तुक नहीं बनती थी क्योंकि स्टॉक ने देखें ऑलरेडी कितनी बड़ी रैली बना चुका था। सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि अगर आपने गलत ट्रेड भी ले ली है तो एटलीस्ट ये आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। अगर आपने सही जगह पे ट्रेड ली होगी फिर तो ये आपको फ़ायदा देगा, फिर तो ये तो आपको जस्ट आपका नुकसान जो है ना वो कम करने का एक टूल है। तो इसको हम दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम प्रॉफिट में हों और अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो भी एटीआर बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं कि जो जो आपकी प्राइस ऊपर जाती रहती है आप अपने स्टॉप को अकॉर्डिंगली ऊपर रखते जाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। उस पर व्यूअर्स इंशाल्लाह फिर कभी बात कर लेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।